मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर एक बहुत बड़े पत्रकार मुझसे मिले और मेरे कान में जब मैंने ऐसे उनके कंधे पर हाथ रख के हंसते हुए कहा भाई तो आपके तो अच्छे दिन आ गए, तो जब मैं उठने लगा मेरे कान के पास आए वो बोले ये तो इमरजेंसी से भी बदतर ज़माना है, मुझसे बोले। अब मैं उनका नाम लूँगा तो बेचारे पता नहीं आजकल जो हालात पत्रकारों के साथ हो रहा है कल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे अगर मैं उनका नाम ले दूँगा। ये जो हो रहा है मीडिया को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी आप बहुत बुरा भला कांग्रेस को कहते थे, मगर ये हरकतें नहीं होती तो जो आज हो रही हैं कि दबाया जाए फंसाया जाए। अब वो NDTV के साथ क्या हुआ, केसेस कर दिए गए, वो प्रणॉय रॉय ने 10 सबूत दे दिए कि हमारा कर्ज़ा बिल्कुल बैंक का है, जायज़ है, अदा भी कर दिया, मगर फिर भी केस कर दिए गए। तो हमें और आप जितनी हमारी ज़िम्मेदारी है इस बात को ऊपर तक पहुंचाने की, उतनी आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि सही लिखने की और बताने की लोगों को कि भाई किसी की भी सरकार चुनो मगर किसी का हक मत दबाओ। कुल मिला के माना जाए कि आपके अनुसार आपातकालीन से भी बदतर हालात जो है देश में चल रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मानना नहीं है, मेरा यकीन है।